कि uh, हरे के आफ्टर डेथ जो डिसाइड होता है वो अपने कर्म पर होता है तो मुझे इस बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए थे कि व्हाई ऑल मुस्लिम विल गो टू तो हेवन एंड नॉन मुस्लिम विल गो टू तो हेल इफ एट ऑल वी डू गुड डेट्स लाइक इफ नॉन मुस्लिम आल्सो डस गुड डेट्स व्हाई दे विल गो टू हेल बहन ने अच्छा सवाल पूछा है कि उनकी एक सहेली ने कहा कि मुसलमान आखिरत में जन्नत में जाएंगे गैर मुस्लिम दोजक में जाएंगे मुस्लिम मतलब वो जो अमन हासिल करता है अल्लाह सुबहाना ताल के अहकाम के मुताबिक चलता है क़ुरान और सही हदीस पर अमल करता है उसे कहते हैं सही मुस्लिम ये बिल्कुल सही है कि जो अमली तौर पे सही मुसलमान है वो इन जन्नत में जाएगा लेकिन आपका सवाल था कि जो गैर मुस्लिम अच्छे अमाल करते हैं वो क्यों नहीं जन्नत में जाएंगे बहन जन्नत में जाने के लिए चार शरात है जब मैं मेरा टेंथ स्टैंडर्ड पास किया मैं सेंट पीटर्स स्कूल से फारग हूँ जब मैं आई में था दसवीं में मेरे एग्ज़ामिनेशन में सिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस जोग्राफी हिस्ट्री हिंदी सिक्स सब्जेक्ट्स कंपल्सरी सिक्स सब्जेक्ट्स में पास होना कंपल्सरी है इसी तरीके से इंसान को जन्नत में जाने के लिए चार शराब है ये लिखा है सूरे अल असर में सूना नंबर 103 आयत नंबर एक दो तीन जिसमें अल्लाह ताला फरमाते वल खुस अनसानस अजिन आमनो व आमिल सोलहती वतवासबिलहक के बिलब्र अल्लाह सुबहाना व कसम खा रहे है वक्त की असर की बेशक इंसान खसारे में है सिर्फ वो लोग जो चार चीज़ में सफलता पाते हैं वो लोग खसारे में नहीं है और ये चार चीज़ें ईमान अमल सोलहत मतवा सोबिल हक मतवा जिस तरीके से मुझे टेंथ स्टैंडर्ड पास करने के लिए छः सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है मिसाल के तौर पे अगर मुझे मैथमेटिक्स इंग्लिश हिस्ट्री जोग्राफी साइंस में निन्यानवे फीसद मार्क्स मिलते हैं नाइन्टी नाइन परसेंट और हिंदी में सिर्फ मुझे टेन परसेंट मिलते हैं एंड पासिंग मार्क्स इज फोर्टी परसेंट पास होने के लिए चालीस मार्क्स की जरूरत है अगर एक सब्जेक्ट में हिंदी में मुझे दस फीसद मार्क्स मिलते हैं और बाकी पांच सब्जेक्ट में निन्यानवे फीसद मार्क्स मिलते हैं क्या मैं टेंथ स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं बैन मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मैं टेंथ स्टैंडर्ड में सफलता पाऊंगा कि नहीं एक सब्जेक्ट में टेन परसेंट बाकी फाइव सब्जेक्ट में नाइन्टी नाइन परसेंट क्या मैं टेंथ स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं 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 क्यों क्योंकि मुझे हिंदी में दस फीसद मार्क्स मिले भले 99 मिले बाकी पांच सब्जेक्ट में हिंदी में 10 फेल उसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए सूर्य अल असर के हिसाब से चार चीजें जरूरी है ईमान अमल सोले हाथ नेक अमाल जो आप कह रहे वतवा सो बिल हक लोगों को हक की तरफ बुलाना वतवा सो सब्र लोगों को सब्र की तरफ बुलाना चार चीजें जरूरी है अगर आप कहते कि आप अच्छे इंसान है आमाल में आप बहुत अच्छे अमाल करते हैं मान लो आपको 99 मार्क्स मिले अमाल में 99 लेकिन ईमान में तो आप फेल है आप ये नहीं मानते कि अल्लाह एक और मोहम्मद आखिरी पैगम्बर है जो सारी मजहबी किताब में लिखा है तो आप ईमान में फेल है आप कितने भी नेक काम करो 99 परसेंट मिले 100 परसेंट मिले बाकी तीन हिस्से में ईमान में लेकिन फेल हुए तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे इसी तरीके से अगर कोई इंसान नाम का मुसलमान है नाम का मुसलमान है अच्छे नहीं है, अमाल नहीं करता है नेक अमाल नहीं करता है वतवा हक दावत नहीं देता है लोग को हक के राह पे नहीं बुलाता है या लोग को सब्र की तरफ़ नहीं बुलाता है सिर्फ नाम का मुसलमान है मोहम्मद सुल्तान जाकिर अब्दुल्ला तो वो जन्नत में नहीं जाएगा उसे जन्नत में जाने के लिए ईमान अमर सौलहत वतवा सब वतवा सब सब्र चारों चीज़ की ज़रूरत है इसीलिए आप मार कितने भी अच्छे अगर ईमान नहीं है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए और ईमान नहीं है कि मोहम्मद आखिरी पैगंबर है तो आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे बहन क्या आप मेरे जवाब से सहमत है यस थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग मोस्ट वेलकम